हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया और एकदम सेफ है। तो आज मैं आप लोगों को एक नया केस लॉ कराऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और आप लोग किस तरीके से इस केस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे केस लॉ का नाम है ब्रॉडगन वर्सेज मेट्रोपोलिटन रेलवे कंपनी 1877, दैट इज ब्रॉडगन वर्सेज मेट्रोपोलिटन रेलवे कंपनी 1877। हुआ क्या इस केस लॉ के अंदर, मिस्टर बी जो कि एक सप्लायर थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट भेजा। किसको भेजा? रेलवे कंपनी। किसको भेजा? रेलवे कंपनी। रेलवे कंपनी मतलब ये हमारी मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा कोल से रिलेटेड, कोल सप्लाई करने के लिए। और ये जो ड्राफ्ट था उसमें रेलवे कंपनी की एक्सेप्टेंस लेने के लिए ड्राफ्ट भेजा था कि वो एक्सेप्टेंस दे दे। अब मिस्टर बी ने तो अपना कोटेशन भेज दिया रेलवे कंपनी को। अब रेलवे कंपनी के मैनेजर ने क्या किया, उस ड्राफ्ट को अपने हाथ में लिया और उस पर अप्रूव्ड लिख दिया। अप्रूव्ड लिखकर उन्होंने अपने ऑफिस के ड्रॉर के अंदर रख दिया और मिस्टर बी को सेंड नहीं किया गया। आगे जाके कंक्लूड हुआ कि मिस्टर बी और रेलवे कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, चाहे दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, इन्होंने अप्रूव भी कर दिया था, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि जो इनकी एक्सेप्टेंस थी वो कम्युनिकेट होनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया और इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि एक असेंशियल कंडीशन होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड और इस केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं हुई थी, इसी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना गया था। आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।